हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर एक अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट एवर अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो प्लीज़ अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो प्रोडक्ट मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ वो है माई ग्लैम से। दिस इज माई ग्लैम ग्लो इरिडिसेंट ब्राइटनिंग टोनर। गाइज, माइग्लैम ने अपनी स्किन केयर रेंज निकाली है जिसका नाम है ग्लो इरिडिसेंट ब्राइटनिंग स्किन केयर रेंज, जिसके अंदर आपको 5 चीज़ें मिल जाती है: मॉइस्चराइजिंग क्रीम, शीट मास्क, टोनर, फोम क्लेंजर एंड बॉडी लोशन। इसमें से मैंने खरीदा है टोनर। गाइज, दो रीजन की वजह से मैंने ये टोनर खरीदा है। एक तो ये कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारा यूजुअल जो रोज़ वाटर होता है वो भी काफ़ी अच्छा टोनर होता है, बट इसके अंदर और भी दूसरी चीज़ें हैं जो स्किन के लिए रियली रियली अमेजिंगली काम करती हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये इसलिए भी ख़रीदा है क्योंकि मुझे ईद डिस्काउंट कोड मिला था, जिसकी वजह से मुझे ये हाफ रेट पर मिला था। तो मैंने सोचा कि आई थिंक ये राइट टाइम होगा इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का, क्योंकि इसकी MRP ही 999 या 995 है अराउंड, आई थिंक। तो 1000 रुपये की तो ये 50 ml की बॉटल आती है, तो मैंने सोचा अगर हाफ रेट पे मिल रहा है तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड आई शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगर आप माइग्लैम की वेबसाइट पर साइन अप करोगे तो आपको अपनी फर्स्ट परचेज पे 150 ग्लैम पॉइंट्स मिलते हैं। एक ग्लैम पॉइंट यानी 1 रुपए, यानी कि अगर इनिशियली आपको 150 ग्लैम पॉइंट मिलते हैं यानी कि फर्स्ट परचेज पे ही आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद भी आपको कई डिस्काउंट कोड मिलते रहेंगे। आई एम टेलिंग यू, मुझे भी मिलते रहते हैं, बट यू डिसाइड कि आपको खरीदना कब है कब नहीं खरीदना। फॉर योर कन्वीनियंस मैं वेबसाइट की लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज, मैंने ये कंपनी की वेबसाइट से ही खरीदा है क्योंकि मुझे ना तो ये नायका पे मिल रहा था ना अमेजोन पे। हालांकि इसकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं लाइक कंसीलर्स एंड फाउंडेशन वो सारा कुछ अवेलेबल है, पर आई थिंक ये काफी न्यू है तो नायका और अमेजोन पे नहीं है। सो देखते हैं कंपनी इस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्लेम करती है। इनके हिसाब से ये मॉइस्चर लॉकिंग टोनर है, यानी स्किन को थ्रू आउट द डे मॉइस्चराइज रखेगी। दूसरा, इसमें रोजहिप ऑयल है जो मल्टीविटामिन ब्राइटनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एलिक्सर है। तीसरा, इसमें पर्ल पाउडर है फॉर नेचुरल ग्लो, कीप दैट इन माइंड। उसके बाद इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। ठीक है, लॉक करते हैं। मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगी कि रोज हिप ऑयल और हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे स्किन को काफी ज्यादा मॉइस्चराइज रखते हैं। इसमें काफी सारे विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्किन का जो रिप्रोडक्शन है वो काफी जल्दी जल्दी होता है। हमारे रिंकल्स, फाइन लाइंस, पोर्स सारे कुछ ही काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। और ये क्लेम करते हैं कि इट प्रिवेंट्स ड्राइंग एंड इचीनेस, मेंटेन्स स्किन्स इलास्टिसिटी, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। ओके, तो इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ अब मैं इसे अनबॉक्स करना चाहूंगी। देखिए, प्रोडक्ट की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स है जो मुझसे नहीं प्रोनाउंस होने वाले, तो मैं उसकी एक इमेज कहीं तो यहाँ डाल दूंगी, आप पॉज करके देख लेना। This is how it looks. काफी लग्जोरियस लग रही है ये। एक हाथ पर्ल ऊपर भी लगा दिया ऐसा लग रहा है। ये इस तरह के पंप के साथ है तो रियली गुड, एक्सेस प्रोडक्ट नहीं आएगा, मैसी भी नहीं होगा। हाँ, काफी रनी है ये, लाइक अ वाटर, जो बेसिकली टोनर होते भी हैं। आपको दिख रहा होगा ये काफी ज्यादा शाइनी है, नो डाउट अबाउट इट। और इनिशियली मुझे उसमें कुछ बहुत ज़्यादा शाइनी पार्टिकल्स भी दिखे, आई थिंक वो पर्ल पार्टिकल थे जो उन्होंने क्लेम किया है। स्मेल इज रियली वेरी गुड, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ये स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया है। ये मेरा दूसरा हाथ है जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। अब इस टोनर को फेस पे लगाने से पहले मैंने अपना स्किन अच्छी तरह से क्लेंज कर लिया था यूजिंग न्यूट्रोजेना क्लेंजर, आई थिंक। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूंगी। सो बेसिकली टोनर का काम ही यही होता है कि क्लेंजिंग के बाद भी जो भी गंदगी आपकी स्किन के अंदर रह गई है वो उसे अच्छी तरह से निकाल देता है, फेस को दोबारा से मॉइस्चराइज कर देता है और साथ ही साथ फेस को काफ़ी ग्लोई रखता है। और टोनर के बाद लगने वाली चीज़ें भी काफ़ी ईजिली ग्लाइड ऑन होती है जब आप टोनर का इस्तेमाल करते हो। प्रोडक्ट के बॉक्स के पीछे लिखा है कि हमें कॉटन पैड पे इसे अप्लाई करके फेस पे लगाना है, बट मैं प्रेफर करूंगी कि मैं डायरेक्टली इसे फेस पर लगाऊं,
बिकॉज आई थिंक के अगर आप उसे कॉटन पैड में यूज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी तो कॉटन पैड में ही रह जाएगी, वेस्ट हो जाएगा. तो मैं डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करना चाहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस पे डायरेक्ट अप्लाई करने में. चॉइस इज योर्स, कॉटन पैड और डायरेक्ट एप्लीकेशन. जेंटली अपने स्किन पे पैट करना है. इट्स लुकिंग वेरी रिफ्रेशिंग, नो डाउट अबाउट इट. आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोई लग रही है. एक चीज और गाइज, इस प्रोडक्ट के साथ में मुझे एक छोटा सा लव लेटर भी मिला था माई ग्लैम से. इसके साथ एक और एक छोटा सा पाउच आया था. ये भी टोनर ही है, तो पता नहीं क्यों ये छोटा मिनी टोनर देने का क्या सेंस है. आई थिंक वो इस तरह से लोगों को दूसरी और चीज़ें भी देते होंगे, लाइक मॉइस्चराइजर और दूसरी कुछ टेस्टर थिंग्स. इन्होंने गलती से मुझे यही वापस दे दिया. इट्स ओके, आई विल अप्लाई दिस ऑल्सो. सो गाइज, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इस प्रोडक्ट के बारे में यही होगा कि ये इंस्टेंटली चेहरे को यू नो ग्लो तो देता ही है, मॉइस्चराइजिंग भी है, इसके अंदर पर्ल इफेक्ट भी है जो मैं यू नो एविडेंटली आई कैन सी दैट. पर जो इसकी दूसरी बातें हैं, जो जो रोजिप ऑयल की वजह से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो हाइलुरोनिक एसिड की वजह से मिलने वाले हैं, वो तो मुझे काफ़ी दिनों तक यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना मेरे एक्ने स्कार्स, रिंकल्स और लाइंस पर काम करती है. सो दैट इज समथिंग आई कैन नॉट कमेंट नाउ, बट एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन दिस इज अ थम्स अप. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब. बाय बाय.